हेलो दोस्तों। और भाई क्या हाल? सब बढ़िया दोस्तों। आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। इस मशीन की जान होगा, ये मेरा वादा है। इस मशीन की जान होगा वो वीडियो। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि पता नहीं गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल दे। तो इस दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखना। अच्छा, ये वीडियो रिकमेंड किया है जिन्होंने, मेरे को बनाने के लिए बोला है। उनके आप फ़ोटो नीचे देखिए और उनके नाम मैं लेना चाहता हूँ। उनका ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर ध्रुव कुमार सोनी जी, ग्राम बाहेरी और दरभंगा से, हमारे पैतृक जिले से हैं, दरभंगा बिहार से। अच्छा, एक हैं मिस्टर ए श्रीनिवासाचारी और ये हैं करीमनगर तेलंगाना से। इन्होंने हमको बोला है कि ये जो कैम की टाइमिंग होती है, ये मशीन इन्हीं से चलती है, इस टाइम के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं इसके ऊपर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, आप ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखना। तो दोस्तों ये सब कैम की टाइमिंग ऐसे होती है, देखिए जब ये घूमेगा तो ऐसे चलेगी मशीन। ये तो मैं अब इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। इसके साफ जो साफट में जो कैम लगे हुए हैं, इनकी जो सेटिंग है वो कैसे होनी है, ये मैं आपको चलिए खोल के दिखा रहा हूँ। ये मैं दोनों पेडिस्टल खोल देता हूँ, 2 मिनट का काम है ये। रोक दो वीडियो। साफट को अलग निकाल लिया है आपके सामने। तो ये अब कैम की टाइमिंग देख लीजिए। ये सब कैम इस तरह से लगती है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और अगर ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा। नीचे से दिखा दो अच्छी तरह, थोड़ा टाइमिंग खड़ा करके तो नहीं बना रहे वीडियो। ये सब टाइमिंग ऐसे होती है, ये ऐसे चलती है मशीन। ये हमारी कैम की टाइमिंग है। जैसे कोई डीजल इंजन में पिस्टन चलता है, सापट में क्रैंक लगी होती है, सेम वही पोजीशन होती है इसकी, और ये ऐसे ऐसे घूमता है। तो याद कर लीजिए, जिन्होंने वीडियो बनवाया है और जो भी हमारे मित्र देख रहे हैं वो देख लो, ये इस तरह से मशीन काम करती है, इसकी टाइमिंग है। तो आसे उठाना इसको ऊपर और मशीन में लगाओ, फिट करो। ये हमारे आसिफ दादा हैं, कोलकाता से। कहाँ से हो? कोलकाता। थोड़ा बंगाली में बोल के दिखाओ, आए दोस्तों, बोलो बंगाली में। नहीं, अच्छा नहीं, चलो ठीक है। अच्छा दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो, कुछ और सीखना हो काम, आप ज़रूर बताइए मेरे को और दूसरा वीडियो बनाते हम। तो दोस्तों इन कैमों के घूमने से ही ये मशीन चलती है। अब ये कैम किस तरह से घूमते हैं, किस कैम का क्या काम है, किस काम के कैम के घूमने से कौन सा फंक्शन काम करता है, ये अगर जो घूम रही है ये फावड़ी तो ये क्यों घूम रही है, या ये हमारा प्लास घूम रहा है तो ये किस कैम की वजह से घूम रहा है, यानी इस कैम का क्या फंक्शन है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इन सभी कैमों के फंक्शन अगर आप जानना चाहते हो, या ये कैम कैसे पहले सेट किया जाता है, किस ऑर्डर में कौन सा कैम लगाया जाता है, जैसे ये कैम इस तरह है, ये इस तरह क्यों है, अगर ये इस तरह है तो ये इस तरह क्यों है, ये इस तरह क्यों है, और ये ऐसे क्यों है, तो इनके आप ऑर्डर जानना चाहते हैं, कैम ऑर्डर, अगर कैम की फिटिंग जानना चाहते हैं, कैम कैसे सेट किए जाते हैं इस डंडी के अंदर। तो दोस्तों इसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है, शायद आप लोगों ने देखा ही नहीं है, वीडियो पुराना वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पर जाइए और लिंक को ओपन करिए, वीडियो देखिए और आप समझ जाएंगे। आपको ये तो आज पता ही चल गया कि इन कैमों की टाइमिंग क्या है, और पुराना वीडियो देखिए कि इन कैमों से क्या होता है, क्या कैसे फिट करते हैं कैमों को। तो दोस्तों कुछ नहीं है मशीन में, आप बहुत समझदार आदमी हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आपसे ज़्यादा समझदार तो शायद ही कोई मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से आपके फ़ोन आते हैं, बातें होती हैं लोगों से, तो मुझे पता है कि आपका उसूल क्या है, हद लगे ना फिटकरी और रंग चुको चढ़ जाए, एक चौनी जेब में से खर्चा नहीं हो और करोड़ों कमा लें, है ना। तो वीडियो देखते रहिए बस, आप ऐसे ही कमाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसको समझ आया वो समझ जाए, जिसको नहीं समझ आया वो अपनी जाके बहस चलाए। जय हिंद, जय भारत।